मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हरीश गंगवार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। एंड टुडे आई एम हियर विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रपोजल राइटिंग इन आईएससी क्लास 11th एंड 12th, बिकॉज दिस टॉपिक वॉज डिमांडेड बाय मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दैट्स वाई आई एम हियर विद द टॉपिक। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like the videos and share the videos with your friends. Press the bell icon so that you can get every time the notification of every important video. Okay, so let's start about proposal writing. So what is a proposal? Yesterday I had told you about report writing, and then I had told you what is a report. Just like that, today I would like to tell you about proposal. So what is a proposal? Proposal is a word made by the original word propose. That means to ask for something to any people. हम किसी से कोई चीज मांगने की या फिर उसको अपनी बात मनवाने के लिए जो अपनी बात उसके सामने रखते हैं, that is called proposal. ये सामने वाले बंदे पर depend करता है whether he accepts or not. कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, बट जो प्रपोजल करने वाला होता है उसका काम प्रपोज करना, यानी किसी भी काम के लिए कहने के लिए कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं, विल यू सपोर्ट अस इन दिस फेवर। एंड प्रपोजल एक्सेप्ट भी होता है जब आपका प्रपोजल बहुत स्ट्रांग हो, अच्छे से लिखा हुआ हो, ऑब्जेक्टिव्स उसमें अच्छे हों, लिस्ट ऑफ मेजर्स अच्छे हो, आपका मोटिव क्या है उस प्रोजेक्ट के, उस प्रपोजल के पीछे, अगर ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होती हैं तो यकीन मानिए कि आपका प्रपोजल बहुत अच्छा रहेगा। एंड इन एग्जाम आल्सो यू विल गेट 100% मार्क्स इन प्रपोजल राइटिंग। ओके, तो आज हम इन पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे प्रपोजल लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट 5 steps. सबसे पहले जो हमको 5 steps फॉलो करना है प्रपोजल लिखने के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ऑल द 5 steps एंड देन एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर दोज स्टेप्स। ओके, okay students, so here are 5 points, 5 steps to start a proposal. And what are those 5? You have to write down in your notebooks. RFP means request for proposal, must outline the need to buy products or services. यानी proposal में ये साफ साफ दिखना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। You are talking about buying some products or services. Suppose if an institution, if there is a factory, you must need some new machines and the installation of new machines or some chemicals or other equipments. And it is a school, you must need some furniture, whiteboards and coolers, ceiling fan, projector, anything that is helpful in school environment. So, इसमें क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द स्कूल एंड द एबिलिटी ऑफ द प्रोवाइडर, कि जो उसको प्रोवाइड कराने वाला है, जिससे आप प्रपोजल रख रहे हैं, वो भी इसके लायक होना चाहिए। इट मीन्स उसकी जेब में वो पैसा होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, स्टडी द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को स्टडी करेंगे पहले। रिक्वायरमेंट को स्टडी करने का मीन्स कि रिक्वायरमेंट आखिर है क्या और क्यों है। सपोज स्कूल में अगर ओल्ड बोर्ड्स का ही यूज होता है, ब्लैक बोर्ड्स का, चॉक एंड डस्ट का, जो डस्ट हार्मफुल होती है टीचर्स के लिए भी एंड चिल्ड्रंस के लिए भी, तो उनके प्लेस पर व्हाइट बोर्ड आ जाए, ठीक है, एक सेफ यूज मार्कर का हो जाए जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो डस्टिंग। तो रिक्वायरमेंट को हम स्टडी करेंगे अच्छे से, जिससे हम सामने वाले को समझा पाए कि हम प्रपोजल क्यों रख रहे हैं। सपोज करो अगर दूसरी कोई बात है, आपको कूलर्स लेने हैं, कूलर्स की जरूरत क्यों है, फैंस, फर्नीचर,
तो रिक्वायरमेंट को स्टडी करने पड़ेगा, सामने को सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि आपको इसकी जरूरत क्यों है, तभी वो उस चीज पे एग्री करेगा। थर्ड पॉइंट, अ प्रॉपर मैथोडोलॉजी शुड बी डेवलप्ड। प्रॉपर मैथोडोलॉजी यानी जो आपके लिखने का मेथड है वो अच्छे से डेवलप करें, अपनी हैबिट बनाए किसी भी चीज को लिखने की, चाहे वो कोई भी कंपोजिशन हो। इट मीन्स यू हैव टू रीड सो मैनी थिंग्स, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अपकमिंग थिंग्स, टू राइट एनीथिंग, एंड इट नीड्स द रीडिंग ऑफ सम इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश न्यूज पेपर्स एंड इंग्लिश मैगजीन, एंड लिसन टू द कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री ऑफ क्रिकेट एंड न्यूज ऑल्सो। फोर, एवोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इज क्वाइट इंपेरेटिव। एवोल्यूशन करना है सोल्यूशन का, कहने का मतलब जो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, अगर कोई आपकी बात से एग्री कर रहा है, प्रपोजल पे काम करने के लिए तैयार है, तो उसको एवेल्युएट करें कि उससे आखिर आगे क्या होगा, व्हाट हेल्प विल बी फाउंड फ्रॉम दोज प्रपोजल्स, विल इट बी वेरी यूजफुल टू दी सम पीपल और सम ग्रुप, या फिर बहुत लिमिटेड उसका दायरा होगा, जो लाभ मिलने वाला है, जो हेल्प मिलने वाली है बहुत कम लोगों को हेल्प मिलेगी, या फिर एक बड़े एक्सपेंडिचर में उसका लाभ मिलेगा। फिर इसमें आपको यह भी फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पर्सन और इंस्टीट्यूशन। द प्रपोजल यू आर गोइंग टू राइट, इट मस्ट बी रिलेटेड एंड इट मस्ट बी रिलीवेंट टू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द प्रोवाइडर। जो प्रोवाइडर है, जो इंस्टीट्यूट है, जो पर्सन है जिसको आप प्रपोजल लिख रहे हैं, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर, सपोज करो कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है कि वो आपको बस एक बस दिला पाएगा, सपोज करो वो आपको एक टेम्पो दिला पाएगा और आप बात उससे कर रहे हैं बस की या ट्रक की, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही हम लिखेंगे। सपोज करो हम किसी एनजीओ को लिख रहे हैं, तो एनजीओ से एक बड़ी हेल्प ले सकते हैं, उनसे कह सकते हैं दैट यू मस्ट ऑर्गेनाइज अ मेडिकल कैंप, तो मेडिकल कैंप वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, फाइव, स्टडी द प्रपोजल थॉरोली। क्या करेंगे, जो प्रपोजल आपने लिख लिया है उसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, थॉरोली स्टडी करेंगे। लेस्ट, ये LEST ही लिखा हुआ है, LEST, लेस्ट, एंड इसका मींस क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। लेस्ट एक सिर्फ फोर लेटर्स का वर्ड है, बहुत छोटा सा है बट इसका मीनिंग काफी बड़ा है। कहीं ऐसा ना हो दैट इट शुड बी टर्न डाउन, कि ये टर्न डाउन हो जाए, जिसको आप लिख रहे हैं, जो रिसीवर है उसको, प्रपोजल का रिसीवर जो उसको लेगा, या फिर आपका अपोनेंट। सपोज करो कि जिसको आप प्रपोजल लिख रहे हैं वो एक इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें कोई एक इंसान, एक पर्सनालिटी नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, दैट विल बी अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप होगा, एक जूरी हो सकती है जो डिसाइड करेगी प्रपोजल एक्सेप्ट हो या डिनाई हो। जैसे फैक्ट्रीज में और बड़ी बड़ी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ओके। या फिर एक अच्छा इंसिडेंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, रिलेटेड टू, यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी ऑल्सो, दैट इज रोबोट ऑफ रजनीकांत, ओके। रजनीकांत की रोबोट में क्या था, जब रजनीकांत उस रोबोट को, चिट्ठी को लेकर जाता है एक्सेप्टेंस के लिए, यानी उसको पास करने के लिए, तो अपोनेंट टीम में शामिल होता है डॉक्टर बोरा, दैट इज डैनी, ओके। तो डैनी क्या करता है, उसका अपोनेंट होता है, तो उसमें खामियां निकाल कर उल्टे सीधे डायरेक्शंस देकर उसके रोबोट को फेल कर देता है, लेकिन अच्छा होता है। तो अपोनेंट से बचने के लिए भी हमको बहुत अच्छे सॉलिड पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे रिसीवर या अपोनेंट उसको टर्न डाउन ना कर दे, ओके। तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जो आपको अपने मन में लेकर चलना पड़ेंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस समटाइम्स, सो मेनी स्टूडेंट्स से दैट प्लीज प्रोवाइड अस टॉपिक्स टॉपिक्स टॉपिक्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल इट विल कम इन एग्जामिनेशन। सो डोंट बोदर अबाउट इट, जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड एंड यू विल राइट एब्सोल्युटली अ परफेक्ट प्रपोजल। एंड इसके बाद में जो मैं फॉर्मेट देने जा रहा हूं, राइट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट एंड यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, ओके। सो डोंट वरी अबाउट द टॉपिक्स, टॉपिक्स आर नॉट एनी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, दोज आर वेरी इजी टॉपिक्स रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट, टू आवर प्रेजेंट कंडीशन, ओके।
तो इसके आगे मैं आपको कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर इट आई हैड गिवन यू फाइव स्टेप्स एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ प्लान। हाउ टू प्लान योर प्रपोजल, डिफाइन योर टारगेट। फर्स्ट थिंग इज डिफाइन योर टारगेट। व्हाट इज योर टारगेट? योर टारगेट इज अबाउट टू परचेज ऑफ द कूलर्स, परचेज ऑफ द व्हाइट बोर्ड्स, और ऑर्गेनाइजिंग अ मेडिकल कैंप, और ओपनिंग अ न्यू हेल्थ सेंटर। ओके, सो दीज आर योर टारगेट्स, एंड ओपनिंग अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स और अनप्रिविलेज्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो आपको टारगेट पहले लेना है कि किस चीज पे हम प्रपोजल लिखने वाले हैं, और वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। बट एग्जाम्स में तो आपको खुद ही टॉपिक मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि हम प्रपोजल लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए। डिफाइन योर इश्यू। इश्यू क्या है आखिर, वजह क्या है उसके पीछे जो आप प्रपोजल लिखना चाहते हैं। इश्यू इतना मतलब इतना सॉलिड होना चाहिए कि सामने वाले को प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट करने में आसानी हो, उसे मानना पड़े कि हाँ एकदम नीडी है। सपोज करो हेल्थ सेंटर की जरूरत एक ऐसे एरिया में जहां पर आसपास तक कोई मतलब मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल सुविधा वहां पर नहीं है, तो वहां पर एक इश्यू है उसका। एंड डस्टिंग प्रॉब्लम है अगर स्कूल्स में, व्हाइट बोर्ड रिप्लेस मतलब ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस किया जाए व्हाइट बोर्ड से, तो एक इश्यू है। एंड फर्नीचर है तो एक इश्यू है। या फिर जैसे ही अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्विंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर, एनी अदर स्किल सेंटर, ओके, तो वो एक इश्यू है। वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम क्यों खोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। क्लियर? डिफाइन अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। ये आपका हो गया कि क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, सॉल्यूशन कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या है। तो आप डायरेक्टली बोल दें कि हमें इस चीज की जरूरत है, ओके, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आपका मेन टॉपिक है कि इस चीज की परचेज करने की जरूरत है या चीज ये ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन डिफाइन हो जाएगा। अब प्रिपेयर योर ड्राफ्ट। आप एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ऐसा ना हो कि डायरेक्टली आपने लिख दिया फेयर करके और वही आपने डायरेक्टली सेंड कर दिया, पता लगे कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सेंटेंस कुछ गलत लिख गया है, या फिर सैल्यूटेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से खुद स्टडी करके देखेंगे, आफ्टर दैट आपको लगेगा कि हाँ अब ये भेजने लायक हो गया है, सामने वाले को रिसीवर को समझ में आ जाएगा और उसे एक्सेप्ट करने में मतलब उसको फोर्स होना पड़ेगा, तभी आप उसको ड्राफ्ट को ओरिजिनल लिखेंगे। ठीक है, उसको फेयर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा, होता क्या है प्रिपेयर और ड्राफ्ट में, मैं चलो अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो एक अकाउंटेंट हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं और मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, एंड समटाइम्स दे कॉल मी, थोड़ा इनका इंग्लिश वीक है, दैट्स व्हाई दे कॉल मी टू हेल्प हिम। एंड व्हेन दे राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल, अ वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल दैट इज गोइंग टू अ वेरी हाई पर्सन ऑफ द कंपनी, सपोज बजाज ऑटो लिमिटेड, इट्स अ रेप्यूटेड कंपनी, और इट मे बी टाटा मोटर्स, रेप्यूटेड कंपनीज, तो उनके उन कंपनी से लिंक है, और वहां पर किसी चीज के लिए अगर कोई ईमेल सेंड करना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डिफेक्टेड मटेरियल और रिगार्डिंग द पेमेंट, लेट पेमेंट, तो वो मुझसे टिप्स लेते हैं कैसे लिखें, कैसे इसको प्रिपेयर करें। तो मैं उनको जो टिप्स देता हूं और वो ईमेल जब राइट करते हैं, वो जहां जाता है और उनको रीड करने वाले ये कहते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, यानी वो हाईलाइट हो जाते हैं वहां जाकर, बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल इन इंडस्ट्री दोज हु डोंट नो हाउ टू राइट अ परफेक्ट ईमेल और हाउ टू राइट अ परफेक्ट लेटर, चाहे लेटर हो या ईमेल हो, तरीका उनका अलग है, डेस्टिनेशन सेम होता है और पर्पस भी सेम होता है। ठीक है,
तो अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स का भी यूज नहीं करना है, एक सिंपल लैंग्वेज जो सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। तो पहले हम उसको अच्छे से स्टडी करके देखेंगे। मैं भी अगर बताता हूँ तो एक बार उसे रिपीट करवाता हूँ कि मैंने क्या बोला, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो इम्प्रेशन वहां जाकर पड़ता है और उसी इम्प्रेशन की वजह से नाम आता है कि ये बंदा कौन है, कि इसके मेल बिल्कुल अलग ही होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये चीजें आपको फोकस करना है, ओके। आफ्टर दैट मैं इसका एक आपको फॉर्मेट पूरा बना के देता हूं, प्रपोजल को कैसे लिखें। फॉर्मेट जब आपको मिल जाएगा तो यकीन मानिए आपका आधे से ज्यादा प्रपोजल लिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आधे से ऊपर का जो काम है वो आपका एक पर्सनल काम रह जाएगा, जो मुझे यकीन है आप लोग कर सकते हैं। तो क्लास ये रहा आपका प्रपोजल का फॉर्मेट, हेडिंग टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग्स, बेसिक चीजें हैं जो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। लिखना सभी है बट ये चीजें सभी से अलग हैं। हेडिंग, व्हाट इज द हेडिंग, किस बारे में आप लिख रहे हैं। जैसे सपोज करो यहां पर हेडिंग क्या होगा, प्रपोजल फॉर द परचेज ऑफ कूलर्स, प्रपोजल फॉर द परचेज ऑफ व्हाइट बोर्ड्स, तो यहां पर आपका हेडिंग हो जाएगा टू जिसके लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है। द हेड सेक्रेटरी ऑफ दिस एनजीओ, द डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल, ऐसे करके टू हो जाएगा, क्लियर। पहले आप नाम लिखेंगे उसके बाद डिजिग्नेशन, फ्रॉम किसकी तरफ से जा रहा है। सपोज करो इफ यू आर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। डेट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड हेडिंग इज सेम, ओके। जो हेडिंग आपका वही सब्जेक्ट होगा, प्रपोजल फॉर द परचेज ऑफ दिस, ठीक है, प्रपोजल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड ये यहां पर जो तीन चीजें हैं वो सभी प्रपोजल्स में सबसे इंपॉर्टेंट, जो पूरा बॉडी होगा, ठीक है। यहां से इन चीजों को मैंने अलग क्यों कर दिया, क्योंकि ये बेसिक डिटेल्स हैं और ये आपका बॉडी ऑफ द प्रपोजल है, ये आपका पूरा बॉडी ऑफ प्रपोजल, इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ऑब्जेक्टिव और पर्पस, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन में यही देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स, इट मींस लिस्ट ऑफ मेजर्स एंड कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि उससे लाभ क्या होंगे, उससे फायदा क्या होगा, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, उस पर अगर वर्कआउट होता है तो उससे क्या फायदा होने वाला है। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में एक पैराग्राफ रिटन हो जाएगा, छोटा सा, 4 or 5 लाइंस का, क्लियर। बेनिफिट्स, क्या फायदे होंगे, ठीक है, उससे होने वाले। कंक्लूजन, पूरा कंक्लूजन की ठीक है, थैंक्स अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वह पूरा कंक्लूजन में आ जाता है। आई होप पूरा आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, इसको राइट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में और अच्छे से इसको स्टडी कर लेंगे। अगर एक बार ये आपके माइंड में सेट हो गया तो समझो प्रपोजल आपका लिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल, एक प्रपोजल आपको इंक्लूड कर रहा हूं इसी वीडियो में, तो वो भी आप कंटिन्यू करेंगे देखने के लिए, ओके। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजल राइटिंग एंड व्हाट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, राइट अ प्रपोजल फॉर द परचेज ऑफ जीरोक्स मशीन फॉर द स्कूल गिविंग। ये आपका एक मेन क्वेश्चन होगा कि परचेज ऑफ दिस, यानी इसमें जीरोक्स मशीन की बात हुई है, फोटोस्टेट मशीन की, और द हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड लिस्ट ऑफ मेजर्स, ये तो सब में लिखे ही जाते हैं, सब कुछ फॉर्मेट में भी दे दिया है मैंने। हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव लिखा था, लिस्ट ऑफ मेजर्स मतलब बेनिफिट्स क्या होंगे इससे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें शामिल करके हमें पूरा प्रपोजल लिखना है। तो हेडिंग इसमें आ गया सबसे पहले, अ प्रपोजल टू परचेज अ जीरोक्स मशीन, जैसे मैंने बताया था क्या करना है, जो हमें परचेज करना है उसके लिए
हेडिंग बना देंगे और सब्जेक्ट भी यही हो जाएगा। हेडर टू जिसके लिए हम लिख रहे हैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, इसमें हम डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो कौन है, तो या डायरेक्टली नेम भी लिख सकते हैं जैसे डॉक्टर सुनीता गुप्ता एंड फ्रॉम महक मिश्रा। डेट आ गई July 7, 2020। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट भी होगा, तो सब्जेक्ट आपका यही सेम हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो हेडिंग है ये सब्जेक्ट अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू जेरोक्स मशीन फॉर न्यू एरा स्कूल, यानी स्कूल का नाम आ गया इसमें सब्जेक्ट में न्यू एरा स्कूल। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। देखो इन्होंने कैसे लिखा है अपनी बात को मनवाने के लिए, प्रपोजल को रखने के लिए। आई एम राइटिंग दिस प्रपोजल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को इन्होंने रख दिया ठीक है, एट न्यू एरा स्कूल। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग देयर डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स जीरोक्स्ड। तो प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स को जीरोक्स कराने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है। मोस्टली द प्रिंट्स ऑब्टेंड फ्रॉम द ओल्ड जीरोक्स मशीन आर इधर ब्लैक और नॉट रीडेबल। अगर ऑलरेडी एक जीरोक्स मशीन है तो ओल्ड है, तो या तो पूरा पेज ब्लैक हो जाता है या फिर बहुत लाइट उसमें लेटर्स आते हैं जिससे वो रीडेबल नहीं होता है, पढ़ने में नहीं आता है। आई सजेस्ट दैट द स्कूल अथॉरिटीज प्लेस एन ऑर्डर टू परचेज अ न्यू जीरोक्स मशीन। तो क्या लिखा गया है, मेरा सजेशन है कि स्कूल अथॉरिटीज़ को एक जीरोक्स मशीन को परचेज करने का ऑर्डर रखना चाहिए। स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू रश टू द नियर बाय मार्केट ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड। और जब रेसेस होता है, जब इंटरवल होता है, तो स्टूडेंट्स को अपने फ़ोटो कॉपी कराने के लिए दूर मार्केट में यानी पास की मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह आप अपनी बात को रख रहे हैं किसी के सामने कि हाँ उसको बात समझ में आ जाए कि ये सारी बातें सही हैं और जो उससे सॉल्यूशन निकलेगा वो वास्तव में हेल्पफुल होगा। दे कैन गेट दियर डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स जीरोक्स इन द स्कूल सेल्फ, और उनके पेपर्स की जीरोक्स स्कूल में ही हो जाया करेगी। अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी आप क्यों कराना चाहते हैं ये काम, क्यों परचेज कराना चाहते हैं, तो रीज़न आपने दे दिया कि प्रॉब्लम होती सभी को बाहर जाना पड़ता है। लिस्ट ऑफ मेजर्स, लिस्ट ऑफ मेजर्स में आपका आ गया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। लिस्ट ऑफ मेजर्स में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए, तो इसमें है आई प्रपोज दैट वी परचेज द लेटेस्ट कैनन ZX सीरीज मशीन। किसी भी मशीन का आप इसमें नाम मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। एफिशिएंट भी है यानी अच्छा काम करती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है यानी इसमें लागत भी कम लगेगी। इनवाइट कोटेशंस फ्रॉम द रेप्यूटेड एंड रजिस्टर्ड वेंडर्स। तो क्या कहते हैं कि रेप्यूटेड और रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जो मशीन को बेचने वाले, प्रोवाइड कराने वाले, उनको इन्वाइट करिए कोटेशंस के लिए। परचेजिंग अ न्यू जीरोक्स मशीन वुड बी ऑफ अ ग्रेट बेनिफिट बोथ फॉर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। तो ये आपका कंक्लूजन है लास्ट में ठीक है, हेडिंग भले ही लिखा नहीं गया है लेकिन यहाँ से आपका कंक्लूजन स्टार्ट हो गया है। वुड बी अ ग्रेट बेनिफिट बोथ फॉर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, यानी क्या फ़ायदा इससे होने वाला है, तो इससे सभी को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। इट्स पावर कंजम्पशन विल बी हाफ एज दैट ऑफ द ओल्ड वन, और इसका जो पावर कंजप्शन है कम बिजली लगेगी इसमें, पुरानी वाली मशीन ज़्यादा बिजली लेती थी। इट विल सेव द वैल्यूबल टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ, और इससे स्टूडेंट्स का और स्टाफ का वैल्यूबल टाइम सेव हो जाएगा। तो ये पूरा एक एग्जांपल है आपका प्रपोजल का, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे और अपनी नोटबुक्स में इसको नोट डाउन करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको हेल्पफुल लगता है, अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट भी करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।